गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं बाहर से इसलिए चालू कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले आपको मेरे कार की हालत बताना चाहती हूँ। आना है बाहर हम लोग को और देखो गाड़ी की हालत देखो कैसी हो गई है, कितना बड़ा पंचर पड़ गया है इसमें। गुड आफ्टरनून अर्पित। गुड आफ्टरनून कि फिर इवनिंग हो गई है, मुझे तो वो भी पता ना, है अभी तो 2:30 बजे है। अच्छा रात में मैं 2 बजे आया जॉब से, जॉब पे आते टाइम गाड़ी में हो गया था पंचर। फैमिली तो देखी गाड़ी की हालत कैसी है। हाँ मैंने देखी ना। तो कल रात में ही वही हुआ था, जॉब पे मैं निकल रहा था तो देखा हाँ। गाड़ी में पंचर है हाँ। तो मैं वो इंश्योरेंस वाले को फोन करने लगा, तभी वो सिक्योरिटी वाला आया। अच्छा। उसने बोला कि उसका घर नजदीकी है तो वो घर पे जाके उसके पास एयर पंप था वो लेके आया, उसने एयर भरी। हाँ। मगर इतना बड़ा छेद है कि घर आते आते तो फिर से टायर फेट हो गया। ओके। तो अभी थोड़ी देर में आ रहा है इंश्योरेंस वाला बंदा। मैंने सोचा अपने आप ही करता हूँ, फिर सोचा कि क्यों इतनी मेहनत करनी है जब इंश्योरेंस के पैसे हमने भरे ही है तो सही है ना अर्पित। तो वो बंदा आएगा और फिर वो टायर रिप्लेस करके जाएगा। भी आप देख सकते हो यहाँ पर इंश्योरेंस वाले भाई आ गए हैं और गाड़ी में कुछ काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं। अर्पित और आमिन भी वहाँ पर है और मैं भी जा रही हूँ। आमिन सो करे गाड़ी में सुबह। आमिन को टेंशन हो गई है। टेंशन हो गया है उसको, देखो ना उसकी गाड़ी का टेंशन हो गया है उसको। मुझे डर था कि कहीं स्पेयर टायर फ्लैट ना हो ना। तो दयो आमिन को उसकी गाड़ी गिर बहुत थी। तेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है, अभी तक तुझे सीट बेल्ट बांधना भी नहीं आता और इतनी परवाह करता है तू गाड़ी की है। आमिन थारू नहीं आती देखा ही छे। बच तो मैं ढांकी दी। आमिन देख रहा है सही से खो रहा है कि नहीं। अभी उसको थोड़ी राहत हुई है क्योंकि वो अच्छा वाला लग गया ना टायर, उसको पता चला है कि वो खराब था इसलिए निकाला है ना वो ये रख रहा है, इसलिए अभी खुश हो रहा है, मुझे पता चला है कि आमिन क्या वेरी गुड क्या आमिन के वेरी गुड आमिन 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 तो अभी उसमें बहुत खो गया है। अभी यहाँ पर हमारा जो पुराना एक टायर था हमारा स्पेयर व्हील वो लगा दिया है और वो जो खराब टायर था वो साथ में ले जा रहे हैं भैया, कल उसके रिप्लेस में अच्छा वाला टायर वापस वो कर देंगे। हाँ मैं अपने पापा की कॉपी कर रहा है। सी सी थैंक यू अभी हम हो गए रेडी और जाएंगे बाहर। गाड़ी हो गई है ठीक तो अभी हम जा सकते हैं। हम लोग रेडी हो गए और चल रहे हैं बाहर। आमिन देखो, हेलो आमिन रेडी जाओ तेरे हाँ क्या जवान छे बाहर जवान छे એટલે ખુશ થઈ ગયો છે આમેન ઓકે હા ગાડી માં બેસીને પહેરું। अभी मैंने और अर्पित ने यहाँ पे मेजरिंग किया है, हमें जो ये पीछे की साइड है ना वहाँ के लिए लकड़ी चाहिए लगाने की, यहाँ इस तरफ लगी हुई है ऐसी पीछे की तरफ बाकी है लगाने का। पकड़ के हाँ ये नहीं आप पकड़
यहाँ लगा दी, ऊपर ऊपर ले लेना। हाँ अभी आमिन को बिठा दिया है और हम लोग भी बैठ गए हैं, हमारा सिग्नल बजा और जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले डेनिस भाई के घर पे जाएंगे, वहाँ जाके ट्रेलर लेंगे और ट्रेलर लेने के बाद हमें जो माप लिया है हमने अभी वो लकड़ी लेने जाएंगे हम। जाके वहाँ पे घंटी बजा दी है कुकड़ू कू वाली, अभी यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि पेड़ का अंधेरा आ रहा है ना वहाँ पर। और देखो यहाँ कितने खूबसूरत फ्लावर्स है इन लोगों के घर पे, है ना। आमीन आमीन। हेलो डेनिस भाई, हाउ आर यू? हे पीट, हेलो। पीटर भाई ने अपनी गाड़ी को मूव किया, बाद में अर्पित वो जगह पर गाड़ी ला रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रेलर पड़ा है उसे जोड़ना है हमें, तो पीटर भाई ने अपनी कार यहाँ पे रख दी है। जा रहे हैं बनिंग्स में, वो यहाँ की सबसे बड़ी हार्डवेयर शॉप है, सारा आता है चाइना से आता है वहाँ पे, सारी चीजें आती है चाइना से, मगर यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर स्टोर है। बनिंग्स जाके मिलते हैं। यहाँ गया है बनिंग्स और हम लोग अभी बनिंग्स में जाएंगे शॉपिंग करेंगे। जाने वाली है तेरी शॉप। तो ये है सारी लकड़ियाँ, इस तरफ भी सब लकड़ियाँ है अलग अलग तरीके की, इस तरफ भी है। अरे ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे अभी सफाई चल रही है। आगे आगे अकेले अकेले चला जाता है, चल मैं आती हूँ, चल। चीजों को ऐसे रखा हुआ है ना, उसको देख के आमिन डर गया था, तो मैंने आमिन को
गोदी में उठा लिया है, फिर अभी उसको तबले की तरह बजा रहा है और खुश हो रहा है ना। डर गया था तो इससे डर गया। अब ये ले रहे हैं लकड़े को जोड़ने वाली चीज। आमिर ने भी कुछ ले लिया है साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा वाला लेना है। और फिर ये वाला हम लोगों ने लास्ट बहुत पतला है ये। हाँ। वो मुंह जल्दी जाता है। अच्छा આમેર ના હાથમાં એવું જ છે ને, બે છે। बड़ा किस लिए लिया? जॉइंट्स में लगाने के लिए। हाँ अच्छा है, चलो लिया है तो मैंने एक्स्ट्रा ही, क्योंकि हम जो यूज नहीं करेंगे वो वापस दे देंगे इनको। अच्छा ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये दो साइज लिए। हाँ ये बड़ी वाली। हाँ। अगर छोटी वाली से काम चल जाएगा तो छोटी वाली यूज करेंगे, बड़ी वाली वापस दे देंगे अगर ये नहीं काम। बट एक बात बताऊँ, हमें जो बनाना है उसमें ये चल जाएगी, ये बड़ी वाले की जरूरत। मगर उसके अंदर वो नेल्स कितने पावरफुल होते हैं वो है ना। हाँ ये मिट्टी का वजन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और फिर गए हैं कार लेने के लिए। वो अभी कार लेकर आएंगे अंदर, यहाँ पे शॉप में कार लेकर आ सकते हैं। जैसे इनका जो कार है जा रहा है बाहर ऐसे ही। अर्पित ने, अर्पित आपने लकड़ी कहाँ से ले ली? हाँ मुझे लगा आप अंदर आने वाले हो इसलिए मैं अंदर, तो यहाँ से ही लकड़ी ले ली आपने। तो लगता है अंदर आते वक्त आपने ये लकड़ी पर नजर गई है ना। हाँ तो मैं सोचूं कि अंदर क्यों नहीं आए। ठीक है मैं आमिन को लेके आती हूँ। हाँ गाड़ी में बिठा दूँ ना, इसमें हेल्प चाहिए मेरी ना। कितनी हैवी हैवी लकड़ियाँ अर्पित उठा रहे हैं। अभी आमिन को बिठा दिया यहाँ पे गाड़ी में और अर्पित अभी तक लकड़ियाँ ले ही रहे हैं। ये वाली लकड़ियाँ हमने ली है वेजी पैच में लगाने के लिए। दो दो चार और लेने गए हैं वो। अच्छी अच्छी छान के लेते हैं अर्पित है ना। जो जो फांस वागी आऊं કેટલા લેવાના છે અર્પિત? છ સાત બહુ મહેનતી હૈ અર્પિત, નજર ના લગ જાય મેરે અર્પિત કો, મેં બોલ રહી હું નજર ના લગ જાય મેરે અર્પિત કો। और एक ये छोटी वाली भी है। छोटी वाली क्यों? 6.2 मीटर चाहिए। अच्छा ये 3-3 मीटर वाली है। हाँ तो छोटी वाली जो 0.2 मीटर जो कटता है उसके लिए। और यहाँ के नियम के अनुसार हाँ सारे सामान को बांधना पड़ता है।
बिना बांधे हम नहीं ले जा सकते, भले कितना पास में नहीं जाना हो लेने। नहीं अर्पित, हमारा घर पास में ही है बट फिर भी हमें इसको बिना बांधे नहीं ले जा सकते। और देखिए यहाँ पर है ना सब साइज लिखी हुई होती है। और कितने बांधने का चालू कर दिया है, ओके हो गया। हाँ जी, हम लोग जाएंगे इनसाइड, गाड़ी के साथ ही जाएंगे और बिलिंग करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम दुकान के अंदर भी ड्राइव करके आ सकते हैं, यहाँ पे सारा सीमेंट टाइल्स ये लकड़ी और सारी चीजें मिलती है। तो ये हम लोग शॉप में ड्राइव कर रहे हैं। वो तो पता नहीं कुछ रटा हुआ डायलॉग बोलने ही लगता है। हाँ, अभी आमिन को मैंने ऐसे बॉक्सेस पे बिठा दिया है और ये कीले है, यहाँ पर सारी कील खरीदनी होती है जो, तो वो यहाँ पर साइज वगैरह चेक कर करके इसके हिसाब से ले रहे हैं। अभी जो जो चीजें हमने खरीदी है उसका अर्पित यहाँ पर बिलिंग कर रहे हैं। आमिर एंजॉय कर रहा है इस तरीके से। तो मैं जो नीचे चल गाड़ी में बैठा दो ना वैन है अर्पित। ये ना ऐसा झूल रहा है ना इसलिए उसको मजा आ रहा है, देखो। इसलिए वो एंजॉय कर रहा है। ये हमारी शॉपिंग हो गई है डन और हम लोग जा रहे हैं अभी घर पर, शॉप में से निकल रहे हैं। ये जो एग्जिट पर हमें जो स्टैंप लगवाना होता है क्लियरेंस का, वो हो रहा है अभी यहाँ पर। लेकिन गाड़ी लेके अंदर जाते हैं ना तो वो चेक करते हैं, जैसे ही बिल स्कैन करते हैं उसके अंदर सारी आइटम फोटो के साथ उनको दिखती है। हाँ। तो कोई एक्स्ट्रा चीज घर पे ना ले जाए उस वजह से। हाँ, वो चेक तो, करते हैं। थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं घर जाके। अर्पित को मैं दे रही हूँ ग्लव्स ताकि उनके हाथों में फांस ना लग जाए लकड़ी की, है ना अर्पित? आमिन को निकल पहले बाहर। उसको बहुत गाड़ी का शौक है तो बैठे ही रहने दो अंदर। अभी खत्म कर दिया अर्पित ने सारा काम। मुन पीली बास्केट रखना। हाँ। अभी मैं टच वुड कर रही हूँ अर्पित के लिए। खुश थी जाए तो गाड़ी में बेसवा मड़े जन तो। अब ये लोग बाहर जा रहे हैं गाड़ी रखने के लिए। हाँ तो यही काम के साथ में हमारा दिन आज खत्म हो गया है। अभी बनाएंगे कुछ खाना, खाएंगे रोटी और इसी के साथ हम आज के वीडियो का एंड करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। नए व्लॉग तो ऐसे कहती है ना, क्या कहती है? कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग में।